मित्तल। ठीक है, मेरा नाम हिमानी बंसल है। अभी हम आपको कुछ स्पीच रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताएंगे जी, जो कि आपके रेस्पिरेटरी, फोनेट्री, रेजोनेटरी और आर्टिकुलेटरी सब सिस्टम्स को सुधारने में आपकी मदद करेंगे। स्पीच मैकेनिज्म के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जहाँ से हवा आती है, उसके बाद वो हवा गले से यानी फोनेट्री सिस्टम जो हमारा वाक यंत्र होता है वहाँ से टकराते हुए ऊपर आती है मुंह तक, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। ये सारा प्रोसेस होने के लिए बहुत सारी मांसपेशियों की ज़रूरत पड़ती है और उन सारी मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन होना आपस में बहुत ज़रूरी है, तब हमारी आवाज़ अच्छी निकलती है। ठीक है, तो अभी हम आपके स्पीच के जो चार सब सिस्टम्स हैं उनके स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे। ठीक है, आप ही बताओगे? जी, मैं आपको बताऊंगी और फिर आपको उनको दोहराने की कोशिश करनी है। उन एक्सरसाइजेस का फ़ायदा ये है कि उससे जो अटैक्सिया की वजह से हमारा सिस्टम डिटोरिएट होता है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम शुरू एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आपके रेस्पिरेशन और फोनेशन से जुड़े हुए संबंधित एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, ठीक है, आप इनको ध्यान से देखेंगे और फिर दोहराने की कोशिश करेंगे। ठीक, पहले मैं गहरी सांस लूंगी, आप देखिएगा। यहाँ मैंने नाक से सांस लिया और सांस जब मैंने भरी तो पेट फूल कर बाहर आया और सांस छोड़ते समय मेरा पेट अंदर गया। ठीक है, मतलब कि हम जब सांस लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा पेट फूल कर बाहर आएगा और सांस छोड़ते समय पेट हमारा अंदर चला जाएगा। आप कोशिश करिए एक बार। आवाज़ निकालेंगे। ठीक है, सांस लेते समय हमें ध्यान देना है कि हमारा पेट फूलना चाहिए। ठीक है, हमें छाती या कंधे का सहारा नहीं लेना है। ठीक है, एक सांस को छोड़ते हुए मैंने पूरे टाइम आ बोला, मैंने बीच में सांस नहीं ली। जब तक हो सकता है एक सांस में उतना देर तक आपको बोलना है। ठीक है, एक बार आप कोशिश करिए। ठीक है, ऐसे ही आप डिफरेंट वॉवल्स के साथ इसको कर सकते हैं। आ की जगह ई, ऊ, अलग अलग वॉवल्स के साथ भी आप कर सकते हैं। उन्होंने जो किया वो बहुत अप्रिशिएट करने लायक नहीं था, तो बेस्ट टाइम था जब तुम उसको कोऑर्डिनेटेड वे में वापस असिस्ट करते हुए कर सकते, वापस करवाओ। बहुत वीक था, बहुत आराम, इससे ज़्यादा आप कर सकते हो मुझे पता है। तो आप जस्ट सांस लो, कम से कम 5 सेकंड तो करो। हम कितना चाहते हैं पता है, 14 से 16 सेकंड, तो कम से कम 5 सेकंड तो करो। और इसे आप यही तो ढूंढना है कि हम इसे इसकी लंबाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आपने इसको ढूंढा तो क्या कर रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स को इस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हो कि वो हवा अचानक से नहीं निकल जा रहा है, पूरा धीरे 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 निकल रहा है। साथ में फोनेट्री सिस्टम को भी आप कंट्रोल करके रखे, है ना। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट वे में इसी तरीके से आप अपने मसल्स को, है ना, अपनी सारी मांसपेशियों में समन्वय रखते हुए बहुत अच्छे से इस आवाज़ को मेंटेन कर रहे हो, हवा को रेगुलेट कर रहे हो, फोनेशन को रेगुलेट कर रहे हो, आवाज़ को रेगुलेट कर रहे हो, और जितना लंबा समय कर सको। यदि आप आज 4 सेकंड करते हो तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा है, बट यदि आप 1 सप्ताह बाद भी 4 सेकंड पे करते हो तो बोलेंगे थोड़ा और बढ़ाओ, 1 सेकंड और बढ़ाओ। हम ये नहीं बोल सकते कि सीधा 16 सेकंड कर लो, एक उदाहरण है, है ना। तो हमारा टारगेट ये है कि हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कम से कम इसे 14 से 16 सेकंड तक ले जाना हमारा मुख्य लक्ष्य होगा।
पर यह संभव है कि यदि अभी मेरी घड़ी में ये वाली चीज़ आपके लिए जैसे 5 सेकंड और 6 सेकंड है, तो हम अगले सप्ताह तक उसे 1-2 सेकंड बढ़ाना चाहेंगे, है ना? ठीक है, तो वापस करके दिखाओ क्योंकि आपने अच्छा नहीं किया था। ठीक है, आप पहले गहरी सांस लेंगे और पेट पर ध्यान देंगे, ठीक है? जितने अच्छे से आप सांस को भरेंगे उतना देर तक आप बोल पाएंगे, ठीक है? क्योंकि बोलने के लिए रेस्पिरेशन और फोनेशन को कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो पहले आप सांस लेंगे, पेट आपका बाहर आएगा और सांस को छोड़ते समय आप आ बोलेंगे। फिर से एक बार कोशिश करिए। ये बहुत अच्छा हुआ, है ना? ये बहुत अच्छा हुआ। आपका टारगेट और एक होना चाहिए ऐसे। क्या गड़बड़ था? फ्लक्चुएशन था जो मैंने जानबूझ कर किया, बट आपके साथ ये नेचुरली होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी कोई मसल्स लूज होता है, कभी टाइट होता है, हम उसको बहुत अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इवन इस पे भी ध्यान देना है कि उसकी आवाज़ की तीव्रता हमेशा एक जैसी हो। ऐसे क्या होगा? आपका दिमाग बहुत ट्यून्ड होगा अपने मसल्स को रियली एक लेवल पे लाने के लिए, है ना? ये होता है, जैसे आपने कॉफ़ी का कप पकड़ा था तो वो हिल रहा था, है ना? ऐसा ये दो लक्ष्य है, ये अच्छे से समझाओ कि हमारे ये करने का दो मुख्य लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है कि हम इसको कितना लंबा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप 14 से 16 सेकंड इसे लेकर जाएं, पर यदि आज 5 सेकंड है तो हम 6 पे टारगेट करें, 7 पे टारगेट करें। यदि हम 3 महीने 4 महीने पे भी अभी से बेहतर। इस एक्सरसाइज को करने का हमारा दो लक्ष्य है, ठीक है? पहला कि हम अपनी आवाज़ को कितना लंबा खींच सकते हैं, कितना देर तक हम आवाज़ निकाल सकते हैं। वैसे तो वो नॉर्मली 14 से 16 सेकंड तक होना चाहिए, लेकिन अगर हम अभी उसको 5 सेकंड तक भी कर सकते हैं तो हम आगे का 6 सेकंड या 7 सेकंड आने वाले दिन में उसको टारगेट रख सकते हैं, ठीक है? तो हमको ऐसा लक्ष्य रखना है कि हमें आज से 2 या 3 महीने में उसको 14 सेकंड तक करने की कोशिश करनी है, पहला लक्ष्य। दूसरा कि हमारी आवाज़ जो है उसमें जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो हमें कंट्रोल करना है। जितना ज़्यादा हो सके हमें आवाज़ को बैलेंस करके रखना है ताकि वो एक सार सुनाई दे, ठीक है? एक बार आप फिर से कोशिश करेंगे जिसमें आप उसको देर तक बोलने का प्रयास करेंगे, साथ में आवाज़ को भी आप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हम लोग वापस करते हैं, आप करो। ठीक है आपने बहुत अच्छा किया। अभी आपने जो हमारा पहला लक्ष्य था कि हमने ड्यूरेशन को बढ़ाना है, समय अवधि को बढ़ाना है जितना देर तक हो सके, ठीक है? लेकिन जो हमारा दूसरा टारगेट था कि हमें आवाज़ के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करना है, फिर से बोलना है? फिर से करो। इस बार आपने बहुत अच्छा बोला। आपने क्वालिटी के साथ साथ ड्यूरेशन का भी ध्यान रखा। आपने एकसार आवाज़ में बोला काफ़ी हद तक, आपने अपने उतार चढ़ाव को कंट्रोल किया और साथ में समय अवधि का भी ध्यान रखा, ठीक है? लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम और आगे के ट्रायल्स में उसको और बेहतर बना सकें ताकि हम क्वालिटी और ड्यूरेशन दोनों के कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हुए अपनी आवाज़ को और अच्छा कर सकें। जैसे हमने अभी आ के साथ प्रैक्टिस करी, इसी प्रकार सेम तरह से सांस लेते हुए हम अलग अलग वोवेल्स या स्वरों प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि ई ऊ ए ओ। इन सभी को हम क्वालिटी के साथ ड्यूरेशन का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें हम सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को
फोकस करेंगे, उसमें हम गले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी जो हवा है उसको हम